subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वोल्टेज रेगुलेटर। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने LM317 IC का यूज़ किया है, इसलिए वीडियो फ्रेंड्स आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए होगा एक LM317 IC। ये फ्रेंड्स एक वोल्टेज रेगुलेटर IC है। ये इसकी एडजस्ट वाली पिन है, ये इसकी आउटपुट वाली पिन है और ये इसकी इनपुट वाली पिन है। ये फ्रेंड्स एक वोल्टेज को रेगुलेट करने वाला IC है। एक हमें चाहिए होगा 220 ओम का रेजिस्टेंस। इसकी कलर कोड आप देख सकते हो। एक हमें चाहिए होगा 10K का पोटेंशियल मीटर। सबसे पहले फ्रेंड्स हम हमारे IC की लिप को इस प्रकार से इनको हम सेट कर लेंगे। और फ्रेंड्स हमारे IC की फर्स्ट और सेकंड पिन के बीच में मैं 220 ओम का रेजिस्टेंस सोल्डरिंग कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस सोल्डरिंग हो गया है। मैं एक शीट सिंक लेने वाला हूं। आप जानते हैं कि कोई भी IC गर्म जरूर होता है, इसलिए फ्रेंड्स हम इस IC को भी हीट सिंक के साथ लगाएंगे ताकि फ्रेंड्स ये गर्म ना हो। और फ्रेंड्स अगर हम हीट सिंक नहीं लगाते तो इस IC के ऊपर लोड डालेंगे तो ये गर्म होगा और हमारा IC भी ख़राब हो सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आपको हीट सिंक ज़रूर लगानी है। और इसी तरह से फ्रेंड्स आपको IC की सभी लीगों को ऊपर उठा देना है ताकि वो हीट सिंक के साथ टच ना हो। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स हम एक PVC पाइप की शीट लेंगे और उसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने पोटेंशियल मीटर को डबल सेल टेप के द्वारा चिपका दिया है। आप इसको चिपकाने के लिए ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं डबल सेल टेप का ही यूज़ कर रहा हूँ। और अब फ्रेंड्स हमने जो IC के साथ हीट सिंक लगाई है उसे भी हम PVC पाइप की शीट के ऊपर चिपका देंगे। इसको भी फ्रेंड्स मैंने डबल साइड टेप के द्वारा चिपका दिया है। अब फ्रेंड्स हम इसके कनेक्शन करने वाले हैं। इसके कनेक्शन बहुत इजीली आप कर लोगे, वीडियो में आपको पूरी डिटेल इसकी देने वाला हूं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको इसकी सर्किट डायग्राम चाहिए तो मैं फ्रेंड्स इसकी सर्किट डायग्राम अपने टेलीग्राम के पर जो मेरा ग्रुप है चैनल है उसमें फ्रेंड्स मैं इसकी सर्किट डायग्राम आपको दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का फ्रेंड्स आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर इसकी सर्किट डायग्राम को देख सकते हो। एक वायर फ्रेंड्स मैंने ली है और ये फ्रेंड्स हम हमारे पोटेंशियल मीटर की बीच वाली पिन के साथ सोल्डरिंग करके हमारे IC की फर्स्ट वाली पिन के साथ इसको सोल्डरिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक वायर को सोल्डरिंग कर दिया है। ये फ्रेंड्स एक मैं वायर यूज़ कर रहा हूँ, ये फ्रेंड्स पॉजिटिव इनपुट के लिए है। ये वायर फ्रेंड्स हम हमारे IC की थर्ड वाली पिन जो कि हमारे IC की इनपुट वाली पिन है वहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, इसकी मैं आपको टेस्टिंग भी करके दिखाने वाला हूँ। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, मेरे चैनल पर कोई भी फ्रेंड्स मैं फेक वीडियो नहीं डालता, इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक फ्रेंड्स हम मैंने वायरों का यूज़ किया है, ये वायरें फ्रेंड्स क्लिप्स वाली वायरें हैं, ये मैं आउटपुट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये इसकी फ्रेंड्स वाइट वाली वायर जो कि नेगेटिव वाली वायर है और फ्रेंड्स दूसरी वायर आप देख सकते हो ये इसकी पॉजिटिव वायर है। ये फ्रेंड्स मैं IC की बीच वाली पिन जो कि हमारे IC की आउटपुट वाली पिन है, वोल्टेज आउटपुट वाली पिन है, वहाँ पर सोल्डरिंग कर दूंगा।
आप देख सकते हैं एक फ्रेंड्स मैंने ब्लैक वाली वायर ले ली है अलग से, ये फ्रेंड्स इसकी इनपुट नेगेटिव वाली वायर है जिसे आप ग्राउंड भी कह सकते हो। ये फ्रेंड्स हम हमारे पोटेंशियल मीटर की फर्स्ट वाली पिन के साथ सोल्डरिंग कर देंगे, ये इसका ग्राउंड पॉइंट होगा और हमारे आउटपुट की नेगेटिव वाली वायर को भी मैं हमारे पोटेंशियल मीटर की फर्स्ट वाली पिन के साथ सोल्डरिंग कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको उसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। टेस्टिंग के लिए फ्रेंड्स मैं 24 वोल्ट की SMPS सप्लाई का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये सप्लाई की वायरें हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरे 23 वोल्ट 23.5 वोल्ट अप्रोक्स आ रहे हैं। सप्लाई की वायरों को फ्रेंड्स मैंने इस सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं नेगेटिव वाली वायर के साथ सर्किट की नेगेटिव वाली वायर और फ्रेंड्स पॉजिटिव वाली वायर के साथ सर्किट की पॉजिटिव वाली वायर को लगा देंगे। और फ्रेंड्स मैंने जो क्लिप्स लगाई थी वो क्लिप्स फ्रेंड्स हम मल्टीमीटर की वायरों के साथ लगा देंगे और मल्टीमीटर को फ्रेंड्स अब मैंने 200 वोल्ट DC के ऊपर सेलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी 2 वोल्ट अप्रोक्स आ रहे हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जैसे जैसे मैं हमारे पोटेंशियल मीटर को घुमा रहा हूँ हमारे वोल्टेज इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपको 9 वोल्ट चाहिए तो 9 वोल्ट पर सेट कर सकते हो, अगर आपको इस सर्किट से 12 वोल्ट लेने तो आप 12 वोल्ट पर इसको सेट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स हमारा वोल्टेज इंक्रीज होते जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये 20 वोल्ट तक पहुंच गया है। अगर आपको फ्रेंड्स वोल्टेज कम करने हैं तो फ्रेंड्स मल्टीमीटर हमारे पोटेंशियल मीटर को उल्टा घुमा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे वोल्टेज फ्रेंड्स कम भी हो रहे हैं और ज़्यादा भी हो रहे हैं। अगर आपको 5 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए या कोई आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना हो, कुछ भी फ्रेंड्स आपको 5 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आप इसे 5 वोल्ट पर मैंने इसको सेट कर दिया है। ये अभी आपको 5 वोल्ट पूरे दे रहा है। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसके साथ फ्रेंड्स एक DC मोटर जो कि मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स DC मोटर को मैंने हमारे सर्किट के साथ कनेक्ट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स जैसे जैसे फ्रेंड्स मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं मोटर की स्पीड इंक्रीज हो जाती है और फ्रेंड्स जैसे ही मैं वोल्टेज कम कर रहा हूं हमारे मोटर की स्पीड कम होती जा रही है। ये फ्रेंड्स कोई फेक वीडियो नहीं है, आप देख सकते हैं मोटर की स्पीड एकदम कम हो गई है। देखिए फ्रेंड्स आप मैंने आपको मोटर टेस्टिंग करके दिखाई थी और फ्रेंड्स मैं आपको 12 वोल्ट की LED स्ट्रिप होती है वो भी फ्रेंड्स आपको इसके साथ कंट्रोल करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने हमारी LED स्ट्रिप को हमारे सर्किट के साथ कनेक्ट कर लिया है।
ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।